वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइए जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद हाँ तक बेहतर था कुछ हद हाँ तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था ये उससे काफी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि ये लुवरंजन की मूवी है, जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज ही बनाई हैं, जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिज़नेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ में आप लोगों को दो कैम्यूज़ देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते

कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइए जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद तक बेहतर था कुछ हद तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था, ये उससे काफी अच्छी मूवी निकली है। क्योंकि ये हैंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज ही बनाई हैं, जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिज़नेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राजी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका खुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैम्यूज़ देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फ़ैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते

कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइये जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद हाँ तक बेहतर था कुछ हद हाँ तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था, ये उससे काफी अच्छी निकली है तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी है तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो है वो एक पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं लोग का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाए तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मींस जहाँ पर सभी राजी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका खुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकाउड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ में आप लोगों को दो कैमियोज देखने को मिलेंगे जो कि पांच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो की आप लोग अगर मूवी देखेंगे

आप लोग अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप लोग इस तरह के सीन्स देख सकते हैं बाकी मैं इसको कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आप फैमिली के साथ बैठ देखिएगा लेकिन अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ जाकर इसे देखना चाहते हैं तो यह काफी अच्छी मूवी लगेगी आप लोगों को इंटरटेनिंग लगेगी तो मेरे हिसाब से यह एक दफा देखने वाली मूवी बनाई गई है जिसे मैं दूंगा रेटिंग जी थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइए जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद हाँ तक बेहतर था कुछ हद हाँ तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था ये उससे काफ़ी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि ये लुवरंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज़ ही बनाई हैं जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज़ देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज़ की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिज़नेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैम्योज देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फ़ैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते

कमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आई ये जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद तक बेहतर था कुछ हद तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था ये उससे काफ़ी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि ये लुवरंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज़ ही बनाई हैं जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज़ देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज़ की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोर्ड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैमियोज देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते

कमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइये जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद तक बेहतर था कुछ हद तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था ये उससे काफी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि ये लुवरंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज ही बनाई हैं, जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी है तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिज़नेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैम्योज़ देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन तो स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फ़ैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज़्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज़ में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते हैं जो कि आप लोगों को फैमिली के साथ ऑकर्ड फील करवा सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपनी दोस्तों तो यह काफी अच्छी मूवी लगेगी आप लोगों को इंटरटेनिंग लगेगी तो मेरे हिसाब बनाई गई है जिसे मैं दूंगा रेटिंग थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमी कमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइए जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद हाँ तक बेहतर था कुछ हद हाँ तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था ये उससे काफी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि ये लुवरंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज ही बनाई हैं जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिज़नेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ में आप लोगों को दो कैम्यूज़ देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते

कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइए जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद हाँ तक बेहतर था कुछ हद हाँ तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो उससे भी ऐसी आप लोगों ने वो मूवीज देखी है तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है की रणबीर कपूर जो है वो एक पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाए तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका खुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैमियोज़ देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फ़ैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते

कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइये जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद तक बेहतर था कुछ हद तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था, ये उससे काफी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि ये लिवरंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज ही बनाई हैं, जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिज़नेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैम्योज़ देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन तो स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फ़ैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते

कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइए जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद हाँ तक बेहतर था कुछ हद हाँ तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था ये उससे काफी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि ये लुवरंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज ही बनाई हैं, जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ में आप लोगों को दो कैम्योज देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीनस इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते

कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आई ये जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद तक बेहतर था कुछ हद तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था ये उससे काफ़ी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि ये लुवरंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज़ ही बनाई हैं जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज़ देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज़ की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैमियोज देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज़्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज़ में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सके हैं जो कि आप लोगों को फैमिली के साथ ऑकर्ड फील करवा सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप लोग इस तरह के सीन्स देख सकते हैं बाकी मैं इसको कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आप फैमिली के साथ बैठ देखिएगा लेकिन अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ जाकर इसे देखना चाहते हैं तो यह काफी अच्छी मूवी लगेगी आप लोगों को इंटरटेनिंग लगेगी तो मेरे हिसाब से ये एक दफ़ा देखने वाली मूवी बनाई गई है जिसे मैं दूंगा रेटिंग थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कौन कमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइये जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद हाँ तक बेहतर था कुछ हद हाँ तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहां पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था ये ये उससे काफी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि रंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज ही बनाई जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी है तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिज़नेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैम्योज देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ़ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज़्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज़ में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते हैं जो कि आप लोगों को फैमिली के साथ ऑकर्ड फील करवा सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपनी लेकिन अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसे देखना चाहते हैं, तो यह काफी अच्छी मूवी लगेगी आप लोगों को इंटरटेनिंग लगेगी तो मेरे हिसाब बनाई गई है जिसे मैं दूंगा रेटिंग थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेड कमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइए जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद तक बेहतर था कुछ हद तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद उससे भी एं टू, एं के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी है तो आप लोगों को झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ कि रणबीर कपूर जो है वो एक पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाए तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मींस जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका खुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ में आप लोगों को दो कैम्यूज़ देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते

कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइये जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद तक बेहतर था कुछ हद तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था, ये उससे काफी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि ये लुवरंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज ही बनाई हैं, जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिज़नेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैम्यूज़ देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फ़ैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते

कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइये जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद हाँ तक बेहतर था कुछ हद हाँ तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहां पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था ये उससे काफी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि ये लिव रंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज ही बनाई हैं जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राजी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैम्योज़ देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फ़ैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते

कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइए जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद हाँ तक बेहतर था कुछ हद हाँ तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था ये उससे काफी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि ये लुवरंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज ही बनाई हैं, जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिज़नेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैम्यूज़ देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन तो स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फ़ैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सके हैं जो कि आप लोगों को फैमिली के साथ ओकड फील करवा सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं तो यह काफी अच्छी मूवी लगेगी आप लोगों को इंटरटेनिंग लगेगी तो मेरे हिसाब बनाई गई है जिसे मैं दूंगा रेटिंग जी 3.5 पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कौन कमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आई ये जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद हाँ तक बेहतर था कुछ हद हाँ तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था ये उससे काफ़ी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि ये लुवरंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज़ ही बनाई हैं जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज़ देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज़ की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैमियोज देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज़्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज़ में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सके हैं जो कि आप लोगों को फैमिली के साथ ऑकर्ड फील करवा सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं लेकिन अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ जाकर इसे देखना चाहते हैं तो यह काफी अच्छी मूवी लगेगी आप लोगों को इंटरटेनिंग लगेगी तो मेरे हिसाब बनाई गई है जिसे मैं दूंगा रेटिंग थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कौन कमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइये जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद तक बेहतर था कुछ हद तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो एं टू, एं के टिटू की स्वीटी, तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी हैं तो आप लोगों को झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाए तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मींस जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका खुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैम्योज़ देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फ़ैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज़्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज़ में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते हैं जो कि आप लोगों को फैमिली के साथ ऑकर्ड फील करवा सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपनी दोस्तों तो यह काफी अच्छी मूवी लगेगी आप लोगों को इंटरटेनिंग लगेगी तो मेरे हिसाब से जिसे मैं दूंगा रेटिंग थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेड कमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइए जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद हाँ तक बेहतर था कुछ हद हाँ तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था ये उससे काफी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि ये लुवरंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज ही बनाई हैं जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिज़नेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ में आप लोगों को दो कैम्यूज़ देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन तो स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज़्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज़ में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते हैं जो कि आप लोगों को फैमिली के साथ ओकड़ फील करवा सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप लोग इस तरह के सीन्स देख सकते हैं बाकी मैं इसको कभी भी नहीं बोलूंगा कि आप फैमिली के साथ बैठकर देखिएगा लेकिन अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ जाकर इसे देखना चाहते हैं तो, ये काफी अच्छी लगेगी। आप लोगों को लगेगी। तो मेरे हिसाब से ये एक देखने वाली so वीडियो पसंद वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइये जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद तक बेहतर था कुछ हद तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ परंजन पर की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज ही बनाई हैं जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मींस जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका खुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ में आप लोगों को दो कैम्यूज़ देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फ़ैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते हैं

कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइये जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद तक बेहतर था कुछ हद तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था, ये उससे काफी अच्छी मूवी निकली है। क्योंकि ये हैंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज ही बनाई हैं, जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिज़नेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैम देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फ़ैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते

कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइए जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद हाँ तक बेहतर था कुछ हद हाँ तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था ये उससे काफ़ी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि ये लुवरंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज़ ही बनाई हैं जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज़ देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज़ की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ में आप लोगों को दो कैम्योज देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन तो स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज़ में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते

कमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइए जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद हाँ तक बेहतर था कुछ हद हाँ तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था, ये उससे काफी अच्छी निकली है अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी है तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यू है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाए तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका खुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैमियोज देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज़्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज़ में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सके हैं जो कि आप लोगों को फैमिली के साथ ऑकर्ड फील करवा सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर अगर आप 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 लोग लोग इस तरह के के सीन्स देख सकते हैं बाकी मैं इसको कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आप फैमिली के साथ देखिएगा लेकिन अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ जाकर इसे देखना चाहते हैं तो यह काफी अच्छी मूवी लगेगी आप लोगों को इंटरटेनिंग लगेगी तो मेरे हिसाब से यह एक दफा देखने वाली मूवी बनाई गई है जिसे मैं दूंगा रेटिंग थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव ये थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कौन कमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइए जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद हाँ तक बेहतर था कुछ हद हाँ तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था ये उससे काफ़ी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि ये लुवरंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज़ ही बनाई हैं जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज़ देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज़ की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिज़नेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैम्योज देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ़ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज़्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज़ में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते हैं जो कि आप लोगों को फैमिली के साथ ओकड़ फील करवा सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप लोग इस तरह के सीन्स देख सकते हैं बाकी मैं इसको कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आप फैमिली के साथ बैठकर देखिएगा लेकिन अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ जाकर इसे देखना चाहते हैं तो यह काफी अच्छी मूवी लगेगी आप लोगों को इंटरटेनिंग लगेगी तो मेरे हिसाब से ये एक दफा देखने वाली मूवी बनाई गई है जिसे मैं दूंगा रेटिंग थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइए जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद तक बेहतर था कुछ हद तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद उससे भी एं टू, एं के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी है तो आप लोगों को झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो है वो एक पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाए तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मींस जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका खुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ में आप लोगों को दो कैम्यूज़ देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते

कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइये जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद तक बेहतर था कुछ हद तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ परंजन पर की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज ही बनाई हैं जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिज़नेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ में आप लोगों को दो कैम्यूज़ देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ़ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फ़ैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते

कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइये जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद हाँ तक बेहतर था कुछ हद हाँ तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ परंजन पर की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज़ ही बनाई हैं जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैम देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फ़ैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते

कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइए जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद हाँ तक बेहतर था कुछ हद हाँ तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था ये उससे काफी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि ये लुवरंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज ही बनाई हैं, जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिज़नेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राजी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैम्योज देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फ़ैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सके हैं जो कि आप लोगों को फैमिली के साथ ऑकर्ड फील करवा सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं लेकिन अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ जाकर इसे देखना चाहते हैं तो यह काफी अच्छी मूवी लगेगी आप लोगों को इंटरटेनिंग लगेगी तो मेरे हिसाब बनाई गई है जिसे मैं दूंगा रेटिंग जी थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कौन कमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइए जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद हाँ तक बेहतर था कुछ हद हाँ तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था ये उससे काफ़ी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि ये लुवरंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज़ ही बनाई हैं जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज़ देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज़ की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैमियोज देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन तो स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज़्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज़ में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सके हैं जो कि आप लोगों को फैमिली के साथ ऑकर्ड फील करवा सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर अगर आप 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 लोग लोग इस तरह के के सीन्स देख सकते हैं बाकी मैं इसको कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आप फैमिली के साथ देखिएगा लेकिन अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ जाकर इसे देखना चाहते हैं तो यह काफी अच्छी मूवी लगेगी आप लोगों को इंटरटेनिंग लगेगी तो मेरे हिसाब से यह एक दफा देखने वाली मूवी बनाई गई है जिसे मैं दूंगा रेटिंग थ्री पॉइंट फाइव स्टार आउट ऑफ फाइव तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉम कमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइए जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद हाँ तक बेहतर था कुछ हद हाँ तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था ये ये उससे काफ़ी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि रंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज ही बनाई हैं जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिज़नेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीनस जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैम्योज देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज़्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते

कमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइए जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद तक बेहतर था कुछ हद तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था ये उससे काफ़ी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि ये लुवरंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज ही बनाई हैं जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिज़नेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ में आप लोगों को दो कैम्यूज़ देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते

कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइये जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद तक बेहतर था कुछ हद तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था ये उससे काफ़ी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि ये लुवरंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज ही बनाई हैं जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिज़नेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राजी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका खुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैम्यूज़ देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन तो स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ़ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फ़ैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते

कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइये जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद हाँ तक बेहतर था कुछ हद हाँ तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था, ये उससे काफी अच्छी मूवी निकली है एं टू, एं के टिटू की स्वीटी। तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी है तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाए तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मींस जहाँ पर सभी राजी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका खुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैम्यूज़ देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते हैं

कमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइए जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद तक बेहतर था कुछ हद तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था ये उससे काफी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि ये लुवरंजन की मूवी है, जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज ही बनाई हैं, जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैम्योज देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फ़ैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते

कमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइए जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद तक बेहतर था कुछ हद तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था, ये उससे काफी अच्छी निकली है अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी है तो आप लोगों को झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाए तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका खुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैमियोज देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन तो स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज़्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज़ में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सके हैं जो कि आप लोगों को फैमिली के साथ ऑकर्ड फील करवा सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं तो यह काफी अच्छी मूवी लगेगी आप लोगों को इंटरटेनिंग लगेगी तो मेरे हिसाब से बनाई गई है जिसे मैं दूंगा रेटिंग थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉम कमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइए जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद हाँ तक बेहतर था कुछ हद हाँ तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था ये ये उससे काफ़ी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि रंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज ही बनाई हैं जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिज़नेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ में आप लोगों को दो कैम्यूज़ देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फ़ैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते

कमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइए जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद हाँ तक बेहतर था कुछ हद हाँ तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था ये उससे काफी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि ये लुवरंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज ही बनाई हैं, जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राजी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ में आप लोगों को दो कैम्यूज़ देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते

कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइये जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद तक बेहतर था कुछ हद तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था, ये उससे काफी अच्छी निकली है एं टू, एं के टिटू की स्वीटी। तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी है तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो है वो एक पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाए तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मींस जहाँ पर सभी राजी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका खुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैम्यूज़ देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फ़ैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते

कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइए जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद तक बेहतर था कुछ हद तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था ये उससे काफ़ी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि ये लुवरंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज़ ही बनाई हैं जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज़ देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज़ की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैम्यूज़ देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन तो स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फ़ैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज़्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते हैं

कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइए जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद हाँ तक बेहतर था कुछ हद हाँ तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था, ये उससे काफी अच्छी निकली है एं टू, एं के टिटू की स्वीटी। तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी है तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूं है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ में आप लोगों को दो कैम देखने को मिलेंगे जो कि पांच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो की आप लोग अगर मूवी देखेंगे

आप लोग अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप लोग इस तरह के सीन्स देख सकते हैं बाकी मैं इसको कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आप फैमिली के साथ बैठकर देखिएगा लेकिन अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ जाकर इसे देखना चाहते हैं तो यह काफी अच्छी मूवी लगेगी आप लोगों को इंटरटेनिंग लगेगी तो मेरे हिसाब से ये एक दफ़ा देखने वाली मूवी बनाई गई है जिसे मैं दूंगा रेटिंग जी थ्री पॉइंट फाइव स्टार आउट ऑफ फाइव तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइए जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद हाँ तक बेहतर था कुछ हद हाँ तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था ये उससे काफ़ी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि ये लुवरंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज़ ही बनाई हैं जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज़ देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज़ की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैमियोज देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज़्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज़ में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सके हैं जो कि आप लोगों को फैमिली के साथ ऑकर्ड फील करवा सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं तो यह काफी अच्छी मूवी लगेगी आप लोगों को इंटरटेनिंग लगेगी तो मेरे हिसाब से बनाई गई है जिसे मैं दूंगा रेटिंग थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉम मेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइए जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद हाँ तक बेहतर था कुछ हद हाँ तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था ये ये उससे काफ़ी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि रंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज ही बनाई हैं जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिज़नेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैम्योज देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन तो स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते

कमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइए जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद तक बेहतर था कुछ हद तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था ये उससे काफ़ी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि ये लुवरंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज ही बनाई हैं जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राजी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ में आप लोगों को दो कैम्यूज़ देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते

कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइये जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद तक बेहतर था कुछ हद तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ परंजन पर की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज ही बनाई हैं जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिज़नेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैम्यूज़ देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फ़ैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते

कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइए जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद तक बेहतर था कुछ हद तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था, ये उससे काफी अच्छी मूवी निकली है एं टू, एं के टिटू की स्वीटी। तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी है तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाए तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मींस जहाँ पर सभी राजी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका खुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोर्ड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ में आप लोगों को दो कैम देखने को मिलेंगे जो कि पांच मिनट तकरीबन तो स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे

आप लोग अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप लोग इस तरह के सीन्स देख सकते हैं बाकी मैं इसको कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आप फैमिली के साथ बैठ देखिएगा लेकिन अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ जाकर इसे देखना चाहते हैं तो यह काफी अच्छी मूवी लगेगी आप लोगों को इंटरटेनिंग लगेगी तो मेरे हिसाब से यह एक दफा देखने वाली मूवी बनाई गई है जिसे मैं दूंगा रेटिंग जी थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आई ये जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद हाँ तक बेहतर था कुछ हद हाँ तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था ये ये उससे काफ़ी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि रंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज़ ही बनाई हैं जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिज़नेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोर्ड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैम्यूज़ देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फ़ैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज़्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज़ में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सके हैं जो कि आप लोगों को फैमिली के साथ ऑकर्ड फील करवा सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप लोग इस तरह के सीन्स देख सकते हैं बाकी मैं इसको कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आप फैमिली के साथ बैठ देखिएगा लेकिन अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ जाकर इसे देखना चाहते हैं तो यह काफी अच्छी मूवी लगेगी आप लोगों को इंटरटेनिंग लगेगी तो मेरे हिसाब से ये एक दफ़ा देखने वाली मूवी बनाई गई है जिसे मैं दूंगा रेटिंग जी थ्री पॉइंट फाइव वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कौन कमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइये जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद हाँ तक बेहतर था कुछ हद हाँ तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था ये उससे काफ़ी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि ये लुवरंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज़ ही बनाई हैं जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज़ देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज़ की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिज़नेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैमियोज देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज़्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज़ में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सके हैं जो कि आप लोगों को फैमिली के साथ ऑकर्ड फील करवा सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं तो यह काफी अच्छी मूवी लगेगी आप लोगों को इंटरटेनिंग लगेगी तो मेरे हिसाब से यह एक दफा देखने वाली मूवी बनाई गई है जिसे मैं दूंगा रेटिंग थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉम मेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नेम है जी तू झूठी मैं मक्कार जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर और उसी के साथ साथ अनुभव बस्सी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो वो किस तरह की मूवी बनाई गई है आइए जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये लग रहा था की ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के देखने वाली ही मूवी बनाई जाएगी मीन्स इसका जेनर होगा जी रोम कॉम मीन्स रोमांटिक और उसी के साथ साथ ये कॉमेडी वाली मूवी बनाई जाएगी तो मैं कुछ हद हाँ तक बेहतर था कुछ हद हाँ तक मैंने ठीक कहा था लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद जो मैंने सोचा था ये ये उससे काफ़ी अच्छी मूवी निकली है क्योंकि रंजन की मूवी है जिन्होंने पहले भी ऐसी मूवीज ही बनाई हैं जस्ट लाइक प्यार का पंचनामा वन एंड टू एंड सोनू के टिटू की स्वीटी तो अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखी हैं तो आप लोगों को उन मूवीज की झलक इस मूवी में लाजमी दिखाई देगी स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि रणबीर कपूर जो हैं वो एक पार्ट टाइम बिज़नेस करते हैं लोगों का ब्रेकअप करवाने का और अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ तो वो पीसफुल ब्रेकअप भी करवाते हैं मीन्स जहाँ पर सभी राज़ी होंगे एंड ब्रेकअप भी हो जाएगा तो उन्हें अचानक प्यार हो जाता है बीच पर मिली एक लड़की से एंड उसके बाद क्या क्या होता है जब उनका ख़ुद का ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्या क्या करते हैं तो ये सारा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ आप लोगों को अकोड फील हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्टोरी बिल्डअप देखने को मिलेगी एंड सेकेंड हाफ़ में आप लोगों को दो कैम्यूज़ देखने को मिलेंगे जो कि पाँच मिनट तकरीबन तो स्क्रीन पर ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है बाकी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है सेकेंड हाफ की तरफ चलती जाती है ये सारी की सारी फ़ैमिली इंटरटेनिंग मूवी बन जाती है ये यूथ के देखने वाली तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फैमिली इंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है मीन्स इसमें आप लोगों को एक सबक भी दिया जाता है जो कि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन है जो कि हमें इस मूवी में दिया गया है बाकी रणबीर कपूर को ये एक्टिंग ज़्यादा सूट करती है मेरे हिसाब से सीरियस रोल की बजाय तो और श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक की है एंड अनुभव बसी जो है वो यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं एंड हम विश करते हैं कि वो आगे भी मूवीज में आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है बाकी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते

कमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय